गुड मॉर्निंग एक्टर्स, ये है आज की सारी की सारी ऑडिशन की अपडेट। ध्यान से सुनो और ध्यान से पढ़कर अपना ऑडिशन भेजो। ओके, सो बहुत सारे लोग ऑडिशन भेज रहे, कंपटीशन बढ़ रहा है गाइस। ओके, बहुत सारे लोग जुड़ रहे हैं चैनल पर, इंस्टाग्राम पर जुड़ रहे हैं, वेबसाइट पे आ रहे हैं। ओके, सो जितने भी लोग वेबसाइट पे आ रहे हैं उनके लिए उनकी जो प्रोफाइल्स हमारे तरफ से जा रही है। ओके, सो डोंट वरी। ओके, जो भी वेबसाइट में है ध्यान से, जैसे ही आपको फ्रेश अपडेट्स मिलता है गाइस, सो फटाफट से आप अपना ऑडिशन भेजना शुरू कीजिएगा। ओके, एंड या इंस्टाग्राम में भी बहुत सारे जुड़ रहे हैं, डीएम्स बहुत सारे आ रहे हैं। लोग बोल रहे हैं कि लाइक एड मी इन टू द ग्रुप। मैं हर बार बोल रहा हूँ, हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप था वो अभी बंद कर दिया है मैंने। पूरा का पूरा जितना भी व्हाट्सएप का क्राउड था, जितने भी ग्रुप्स थे हमारे, वो सभी लोगों को मैंने वेबसाइट पे शिफ्ट किया है गाइस। ओके, जितने भी लोग पहले मेरे साथ व्हाट्सएप में जुड़े हुए थे, क्योंकि व्हाट्सएप में बहुत सारे थे तो बहुत सारा ग्रुप बनाना पड़ता था, एज वाइज ग्रुप ऐसे वगैरह, तो मैंने जितने भी ग्रुप्स थे मैंने सबको वेबसाइट में डाल दिया है। तो अभी व्हाट्सएप में नहीं होगा कुछ भी फ़िलहाल, तो पाँच छः महीने तो नहीं होगा व्हाट्सएप में कुछ भी। सो सभी जो भी लोग है थे जुड़े हुए, वो सभी लोगों को मैंने वेबसाइट पर कन्वर्ट कर दिया है। अब वेबसाइट में आपको सब कुछ रिक्वायरमेंट मिलती रहेगी। ओके, कास्टिंग फॉर अ हिंदी मूवी, सेकंड लीड फीमेल एक्टर्स, एज 18 to 25, साइड कैरेक्टर मेल एक्टर। ओके, एज 18 to 45। ओके, एज ग्रुप देखो एक बार, ईमेल करो, ईमेल किया करो गाइस। हर बार मैं बोलता हूँ क्योंकि ईमेल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत सारे लोग नहीं करते ईमेल, सिर्फ नंबर्स पे व्हाट्सअप कर देते हैं। ओके, एंड सिलेक्शन की प्रोसेस कैसा होता है, आई विल टेल यू कि सब। अगर आपको इसके ऊपर एक सेपरेट सा वीडियो चाहिए कि किस तरह से कास्टिंग डायरेक्टर देखता है, किस तरह से अपनी वीडियो देखता है, मीन्स अपना ऑडिशन वीडियो देखता है, किस तरह से सिलेक्शन प्रोसेस होते हैं, छोटे मोटे प्रोडक्शन किस तरह से सिलेक्शन करते हैं, बड़े प्रोडक्शन किस तरह से सिलेक्ट करते हैं, और इसके ऊपर आपको डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ सर कि वी वांट वीडियो लाइक हाउ कास्टिंग डेटा सिलेक्ट। ओके, इसके ऊपर वीडियो चाहिए। ओके, सो देखो एक बार और मुझे बताओ, क्वेरी तो आप बताते रहते हो। ओके, सो अभी फ़िलहाल के लिए क्वेरी बहुत कम आ रही है, क्योंकि आई नो कि वीडियो में, ऑडियो में सब कुछ मैं क्लियर कर देता हूँ हर बार, तो भी कुछ भी डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, मैं क्लियर कर दूंगा। ओके, हेलो, नवी ऐप के लिए है, 16 जून के लिए शूट लोकेशन मुंबई, बजट इज़ 10K, वेरी गुड है, बजट बहुत अच्छा है, 10K फॉर अ फ्रेशर इज़ ऑल्सो वेरी बिग अमाउंट गाइज, सो 2000 रुपीज़ पर कमीशन है आई थिंक। सो ऐसा ही है, कमीशन अगर कोई ले रहा है, अगर पहले ही कोई कमीशन ले रहा है तो डोंट गो, देने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। शूट होने के बाद अगर कोई कमीशन ले रहा है तो प्लीज़ गिव। ओके, अगर शूट होने के बाद कोई ले रहा है तो ओके, बट शूट से पहले कोई भी अमाउंट आपसे ले जा रही है, सो आई सजेस्ट यू कि एक बार मुझे बताओ, नहीं तो इस झमेले में पड़ना ही मत। ओके, कि कोई आपको मांग रहा है पैसे, कि आप सिलेक्ट हो चुके हो, इस सीरियल का नाम, आपके से सीरियल्स के पैम्पलेट्स के नाम, सॉरी पैम्पलेट्स अगर आपको भेजता है, आपकी आइडेंटिटी रिवील करता है उसका, और आप सिलेक्ट हो गए हो, इतने इतने पैसे, आर्टिस्ट कार्ड वगैरह फलाना, ये सब कुछ अगर आपसे कोई मांग रहा है जस्ट फॉर अ रोल, सो बी अवेयर, उनके झमेले में आपको पड़ना ही नहीं है, स्ट्रेट अवे इग्नोर देम। ओके, मत दो, क्योंकि एक्टिंग रोल पाने के लिए कोई पैसे नहीं देता, प्रोडक्शन आपको एक्टिंग करने के लिए पैसे देता है। ओके, यहाँ पे आपको पैसे दे के आपको एक्टिंग नहीं कर रहे, तो ये भी थोड़ा आपको दिमाग में आना चाहिए, जो भी न्यू एक्टर्स है, जो भी अभी फ़िलहाल के लिए जुड़े हुए हैं। अनदर थिंग इज़ दैट, जो भी नए जुड़े हुए हैं कल परसों हाल ही में जो जुड़े हुए सब्सक्राइबर्स अपने यूट्यूब पर, प्लीज़ जाके फ्रॉड वाला वीडियो देखो, क्योंकि मैंने फ्रॉड वाला वीडियो अपने यूट्यूब में पहले डायरेक्टली फ्रंट पेज पर रखा हुआ है, अभी तक मैंने वेबसाइट का भी नहीं डाला है फ्रंट पेज पर, बट द फ्रॉड वाला वीडियो इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन दैट वेबसाइट। ओके, वेबसाइट में जिसको आना है वो आ जाएंगे, इसका कोई ये नहीं है, बट फ्रॉड वाला ये वीडियो लाइक वन घंटे का है,
तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने वो फ्रंट पेज पर रखा है, क्योंकि वहाँ पे मैंने पूरी की पूरी क्लियर किस तरह से लोगों को फंसाया जाता है इस इंडस्ट्री में, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने वहाँ पे वो रखा है, अभी तक मैंने वहाँ से निकाला नहीं है। तो फ्रॉड वाला वीडियो ज़रूर देखना, उसके बाद हाउ एक्टर्स गेट ट्रैप्ड, ओके ये वीडियो देखो, नए लोगों को बोल रहा हूँ, ओके आई नो कि मैं हर बार बोलता हूँ, पुराने लोगों को पता होगा, पर जो भी नए लोग हैं, मुझे किस तरह से क्या किस तरह से कॉल आया था, किस तरह से फंसाया गया था, मतलब फंसाया गया था, जो भी कुछ मैंने सब कुछ रिकॉर्ड करके मैंने वहाँ पे उस वीडियो पे डाला है, तो पहले वो देखो, उसके बाद अपना ऑडिशन भेजना शुरू कीजिएगा गाइस, ओके कभी भी लेट नहीं है, ऐसा मत सब जो कि ऑडिशन में सभी लोग फंसाते हैं, सभी लोग पैसे हेटते हैं, ऐसा मत समझो, ओके नेगेटिविटी मत डालो, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दिमाग में पॉजिटिविटी डालने की कोशिश करो, ओके इस इंडस्ट्री में नेगेटिव लोग भी है और पॉजिटिव लोग भी बहुत ज़्यादा है, अगर आप सही तरह से ऑडिशन दोगे, प्रोफेशनलिटी बिहेव करोगे, तो डेफिनेटली आपको अपॉर्चुनिटी आएगी, अगर आप उनको लगेगा कि आप फ्रेशर हो, आपकी फ़ोटोग्राफ्स अच्छी नहीं है, किसी कैसे भी आपने फ़ोटोग्राफ सेंड की है लाइक एज अ नॉर्मल वे, प्रोफाइल आपने अच्छी तरह से नहीं बनाई है, तो उनको लग जाता है, पता चल जाता है कि यार ये फ्रेशर है, दो अगर आप सिलेक्ट होते हो तो भी कोई ना कोई लोग आपसे कुछ ना कुछ बोलने की कोशिश करते हैं, ओके सो बी अवेयर ऑफ दैट, अगर प्रोफाइल की हाउ टू मेक अ प्रोफाइल की वीडियो भी चाहिए तो मुझे बता देना कि किस तरह से आपको सीखना है, प्रॉपर गाइडेंस हम हमारी तरफ से आपको देने की 101% कोशिश करेंगे, ओके कि कौन सी भी अगर वीडियो चाहिए, हालांकि YouTube में मिल जाता है बट तो भी आपको प्रॉपर गाइडेंस चाहिए हमारी तरफ से, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रा बता देना कि आई वांट दिस काइंड ऑफ अ वीडियो, प्रोफाइल के ऊपर, फ्रॉड के ऊपर, कास्टिंग डायरेक्टर्स के सिलेक्शन प्रोसेस के ऊपर, ओके कौन सी भी वीडियो चाहिए आप डालो, मेजॉरिटी वोट्स जैसे आएंगे हम डालेंगे, ओके बस एक्टिव रहो, थोड़ा सा एक्टिव रहो और अपने ऊपर ध्यान रखो, अपने ऊपर काम करो, ये तो सबसे बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं ये जब भी रिक्वायरमेंट आती है मैं हर बार सभी लोग मैं पढ़ नहीं सकता, एक्सप्लेन नहीं कर सकता, एक्सप्लेन करने की कोई ज़रूरत भी नहीं है गाइस, जो भी बहुत सारे अलग चैनल्स हैं वहाँ पे एक्सप्लेनेशंस होता है, बट हालांकि वहाँ पे रिक्वायरमेंट कम होती है, बट मैं ज़्यादा से ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट पे ऊपर देता हूँ, एक्सप्लेनेशन के ऊपर इतना ध्यान देने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि पूरी की पूरी डिटेल वहाँ पे दिया जाता है। अभी ये जो रिक्वायरमेंट है देखो, यहाँ पे बोला गया है कास्टिंग फेस रिक्वायरमेंट, कलर टीवी का शो है, क्यूट फेस चाहिए, मेल 18 to 25, ओके गुड लुक, थिएटर आर्टिस्ट चाहिए, थिएटर आर्टिस्ट मतलब क्या, थोड़ा लाउड आर्टिस्ट चाहिए, अगर नहीं है तो भी आप एक्टिंग कर रहे हो तो एक्टिंग करो ना, लाउड एक्टर चाहिए, थिएटर आर्टिस्ट यूजुअली लाउड एक्टर्स होते हैं, उनका जो टोन होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, तो थोड़ा लाउड एक्टर चाहिए, तो उनको पता चल जाता है कि यार ही बिलोंग्स टू थिएटर समथिंग, उसने किया है, ओके थोड़ा सा इतना भी गला फाड़ फाड़ के मत करो, थोड़ा सा लाउड होना चाहिए, डायलॉग्स तो पता, यहाँ पे पूरा डिटेल दिया जाता है, ओके अभी यहाँ पे देखो कास्टिंग कॉल, मेल आर्टिस्ट 9% चाहिए, फीमेल 3%, ओके मुंबई नॉर्मल चाहिए, उनको पता है सिर्फ आर्टिस्ट चाहिए, वो लुक देख रहे हैं, सिर्फ अपना ऑडिशन भेजो, जो भी लुक में फिट होता है वो सिलेक्ट हो जाएंगे, ओके तो यहाँ पे पूरा यहाँ पे देखो, सतरंगी इश्क, मिल्खा सिंह का नून फेस चाहिए, ओके राकेश, संध्या, यहाँ पे पूरे कैरेक्टराइजेशन दिया गया है, जैसे आपको एज ग्रुप के वाइज आपको चाहिए नोन फेस, मीन्स कहीं ना कहीं उसने काम किया होगा, आप नोन फेस नहीं हो तो वहाँ पे आप फिट नहीं होते हो, सेमी नोन सेम टाइप, कहीं ना कहीं बैकग्राउंड में कहीं ना कहीं काम किया जाता है, किया रहेगा ऐसा है, ओके नहीं तो सेमी नोन का मीन्स अगर आप इंस्टाग्राम में ज़्यादा फॉलोअर्स है, ओके इंस्टाग्राम में भी अगर ज़्यादा फॉलोअर्स है आप तो भी वेल एंड गुड, क्योंकि काम चल जाता है गाइस, ओके ऐसा है। कास्टिंग फॉर अ न्यू शो, फीमेल चाहिए 27 to 32, पैरेलल लीड एक्टर चाहिए, सेल्फ टेस्ट फॉर ऑडिशन इंटरेस्टेड वंस रिवर्ट, ओके शॉर्टलिस्ट चेंज वन वी गेट सेल्फ टेस्ट, ओके तो उनके तरफ से कुछ होगा, स्क्रिप्ट मिलेगी आपको अगर सिलेक्ट होते हो तो, क्योंकि यहाँ पे पूरा दिया जाता है कि इसको इतना ब्रीफली एक्सप्लेनेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर चाहिए तो इसके ऊपर भी अगर आपको वीडियो चाहिए कि किस तरह से रिक्वायरमेंट पढ़नी है, ओके तो भी अगर चाहिए तो मैं वो भी वीडियो देने की जरूरत करता हूँ, ओके अगर चाहिए तो डिटेल एक्सप्लेनेशन चाहिए तो मैं वो भी एक्सप्लेन कर देता हूँ,
अगर चाहिए तो मुझे बता देना, ओके, जो बेझिझक बता देना कि सर मुझे रिक्वायरमेंट किस तरह से पढ़ना चाहिए, क्योंकि हालांकि बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता है कि बहुत सारे लोग एक्चुअल में क्या करते हैं। एक रिक्वायरमेंट उनके सामने आती है, एज ग्रुप वो देखते हैं, एज ग्रुप पकड़ा, उठा लिया नंबर, उठा लिया ईमेल आईडी, फटाक से डाल देते, हालांकि वो रिक्वायरमेंट भी पढ़ते नहीं है, ओके। हाँ, अगर वहाँ पे जस्ट छोटा सा एक रिक्वायरमेंट है, वी नीड, ओके, वी नीड ओनली डैश डैश काइंड ऑफ अ थिंग नंबर, डैश डैश काइंड ऑफ बॉयज, मतलब एज ग्रुप वाइज है, ओके, 15 to 20 ईयर्स ऑफ ग्रुप्स, अभी जैसा बीच में एक रिक्वायरमेंट थी, ऐसा है, वहाँ पे कुछ एक्सप्लेनेशन दिया ही नहीं है किस टाइप का, तो वहाँ पे आप उस टाइप की अपना बस कौन सा भी वीडियो डाल के भेज सकते हो। बट अगर किस रिक्वायरमेंट, यहाँ पे देखो कास्टिंग फॉर अ स्टार प्लस शो, ओके, यहाँ पे बताया गया है कि किस तरह से ये शो है, कई रिक्वायरमेंट, फीमेल आर्टिस्ट, एज ग्रुप 30, कंटिन्यूटी ट्रैक होने वाला है, मेजर एंड प्रोमिनेंट कंटिन्यूटी ट्रैक है, वेरी पॉपुलर शो, वेरी री ओन टीवी शो, ओके, यहाँ पे शो किस तरह से बट नहीं बताया गया है, बट किस तरह से ये मतलब वेल नोन शो है, अभी तक नाम रिवील नहीं किया है, ओके। यहाँ पे एज ग्रुप दिया गया 20 to 25, टॉल एंड हैंडसम चाहिए, टॉल चाहिए, अभी टॉल मतलब क्या, 5.5 नहीं होता है, टॉल मीन्स 6 फीट का होता है, 5.10 के ऊपर जितने भी लोग होते हैं वो टॉल पे कैटेगरी में आ जाते हैं, 6 फुट के ऊपर, 5.9 इज ऑल्सो इक्वल हो जाता है उसमें से, सो उसके ऊपर जितने भी जो टॉल है, तो जितने भी लोग टॉल है उसके ऊपर अगर पता होना चाहिए कि यार मैं टॉल नहीं हूँ, तो ऑब्वियसली सिलेक्शन प्रोसेस थोड़ा सा कम हो जाता है, ओके, उतना थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट हो जाता है, क्योंकि 6 फीट के ऊपर टॉल बोला जाता है, 5.10 होगा इट्स ओके, यहाँ पे एडजस्टेबल है, ओके, सो अगर नहीं ऐसा मतलब रिक्वायरमेंट पढ़नी नहीं आती, तो मुझे बता देना कि मुझे हाउ टू रीड अ रिक्वायरमेंट, इसके ऊपर अगर आपको वीडियो चाहिए तो डेफिनेटली टेल मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, क्योंकि जैसे ही आप एक्टिव रहोगे, सिर्फ वीडियो मत देखो गाइस, हाँ इंस्टाग्राम में सॉरी वीडियो में सॉरी यूट्यूब में वीडियो आ रही है, ओके, सिर्फ पढ़ो, सिर्फ वीडियो देखो, नंबर उठा करो, ऐसा अगर गाढ़ो मेहनत करोगे ना, तो बहुत डीमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ मैं, तकलीफ होगी, मतलब आगे जाके सिर्फ ऐसी एक ही वे में काम करते जाओगे तो सिलेक्शन के चांसेस भी कम होंगे, क्योंकि यहाँ पे कंपटीशन ज़्यादा है, आपको ध्यान से दिमाग लगा के अपना ऑडिशन देना है, बस ऑडिशन देना है, इसके लिए देना है, लोगों को 3-4 साल स्ट्रगल लगता है, तो मुझे भी लगेंगे, ये सोच के अगर आप करोगे तो आपको 3-4 साल ज़रूर लग जाएंगे, हाँ कुछ कुछ थोड़ा आप अलग करोगे तो आपका 2 महीने में 4 महीने में भी सिलेक्शन हो सकता है, ओके, सो ऐसा अगर चाहिए तो मुझे बता देना, एक्टिव रहो, कुछ भी हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, ओके, थोड़ा सा लाइक्स बढ़ा होगा इस, क्योंकि आई एम लाइक अच्छा लगता है अगर यूट्यूब्स में कोई वीडियो में कोई लाइक्स ज़्यादा कर देता है, ओके, सो लाइक्स बढ़ाओ, यूजुअली 50 का लाइक्स आता है, होप कि 50, 60, 70 के ऊपर लाइक्स आ जाए, ओके, सो कैसे होते हैं ना, आप अगर लाइक करोगे तो मुझे भी मोटिवेशन होता है कि यार मेरा आई एम डूइंग समथिंग फॉर यू, कुछ कर रहा हूँ मैं, वीडियो बना रहा हूँ तो कुछ ना कुछ हो रहा है, प्रॉफ लाइक बेनिफिट मिल रहा है, सो देखो लाइक्स करो, थोड़ा सा मुझे भी मोटिवेशन आ जाएगा, ओके, सो अगर इसके ऊपर आपको डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो मुझे बता देना गाइज, ओके, कमेंट सेक्शन में मुझे बेझिझक बता देना गाइज, कि ऐसा मत बोलो कि नहीं यार ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन हो गया, मैं बोल के क्या करूँ, मैं कहीं ना कहीं ढूंढ लेता हूँ, नहीं, अगर प्रॉपर गाइडेंस चाहिए, आपको लग रहा है कि मैं प्रॉपर रीड नहीं कर पा रहा हूँ, मैं सिर्फ दो महीने से मैं चैनल को फॉलो कर रहा हूँ बट मुझे प्रॉपर मुझे अभी तक ये नहीं आया, हालांकि बाकी लोग सिलेक्ट हो रहे हैं, मैं नहीं सिलेक्ट हो रहा हूँ, क्यों, ओके, सो किस तरह से रीड करना है, अगर आपको वीडियो चाहिए डिटेल्ड वीडियो तो मुझे ज़रूर बताना कि सर ऐसे ऐसे वीडियो बनाओ, डिटेल्ड वीडियो बनाओ, सो आपके लिए मैं ज़रूर बनाऊंगा, ओके ओके, हालांकि कोई एक इंसान भी रहेगा बट जेन्युइन प्रॉब्लम रहेगी तो उसके लिए भी मैं अलग सी वीडियो बनाऊंगा, ओके, सो बेझिझक मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि सर ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, ऐसा ऐसा मुझे समझ में नहीं आता, प्लीज़ उसके ऊपर वीडियो बनाओ, आई विल डू फॉर यू, ओके ओके, सो ये थी सारी की सारी ऑडिशन की अपडेट, ध्यान से पढ़ो, ओके, ईमेल भी क्या करो गाइस, ईमेल भी हर बार बोलते हो कि बहुत सारे लोग ईमेल नहीं करते, ओके, सिर्फ व्हाट्सएप में पकड़ के व्हाट्सएप में ही फोटोज़ भेजते, ओके, सो वो मत करो,
ओके सो हैप्पी ऑडिशनिंग गाइस, डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बताना। हैप्पी ऑडिशनिंग गाइस एंड गुड बाय।